कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस देश के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, दरबार तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। आपकी जानकारी में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई भी ये कह दे कि मेरी जानकारी में या मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेशन में किसी की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा। लगभग सभी के जानने पहचानने वाले में किसी न किसी की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई है। लेकिन ये जो वर्तमान की सरकार है, ये संसद में खड़ी होती है और कहती है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं। देश का मीडिया, इस देश का अखबार, इस देश के लोग मूक दर्शक बने हुए रहते हैं और वो देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा झूठ, सीधा सीधा झूठ। आप सभी को नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से। आप सभी को मालूम है गोरखपुर में घटित जो प्रियंका कांड है, जिस बच्ची की लाश पाई गई थी गोरखपुर विश्वविद्यालय में, इस खबर पे पूरे देश की नज़र है। क्यों? क्योंकि ये आम शहर नहीं है गोरखपुर, ये मुख्यमंत्री का शहर है, और मुख्यमंत्री के शहर में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, इस बात को लेकर पूरे देश भर की नज़र इस खबर पर है। तो इस बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि इसका जो गला है, गला दबने से इसकी मृत्यु हुई है। और चूंकि घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बिलीव नहीं था, भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने रीपोस्टमार्टम की मांग की थी, और जिसको प्रशासन ने ठुकरा करके, प्रशासन ने ये कहा कि रीपोस्टमार्टम नहीं होगा, बल्कि पोस्टमार्टम के वक्त जो वीडियो बना है, डॉक्टरों की एक टीम गठित करके उस वीडियो को पुनः दोबारा देखा जाएगा और उस पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो आज उस वीडियो को जो देखना था और उस पर जो रिपोर्ट देनी थी, आज उसकी रिपोर्ट आ गई है। और मैं आपको दिखा दूं, ये गोरखपुर के चर्चित अखबार हैं, अमर उजाला, और आज ये दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, और जितने भी चर्चित अखबार हैं, इन सब की मैं कटिंग आपको डाल दे रहा हूं। आप देखिए किस तरह से रिपोर्ट दिखाई गई है कि ये आत्महत्या है। पूरे अखबार में लगभग यही छपा है, क्योंकि रिपोर्ट कह रही है, जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट कह रही है कि बच्ची की गला दबने से, गला कसने से जो है मृत्यु हुई है। तो ये रिपोर्ट देख करके एक हंसी आ रही है, और एक शेर याद आ रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस देश के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, दरबार तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कोविड के दूसरे लहर में कितने लोगों की जान गई थी ऑक्सीजन की कमी से, आप लोगों को मालूम है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग के पास भी ये वीडियो जा रहा है, उनसे अगर मैं कहूँ कि क्या आपकी जानकारी में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई भी ये कह दे कि मेरी जानकारी में या मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेशन में किसी की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा। लगभग सभी के जानने पहचानने वाले में किसी न किसी की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हुई है। लेकिन ये जो वर्तमान की सरकार है, ये संसद में खड़ी होती है और कहती है कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, और इस देश का मीडिया, इस देश का अखबार, इस देश के लोग मूक दर्शक बने हुए रहते हैं और वो देखते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा झूठ, सीधा सीधा झूठ कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो जब इतना बड़ा झूठ संसद में बोला जा रहा है सरकार के द्वारा, तो हम इस अखबार पर कैसे बिलीव कर लें, क्योंकि उस बच्ची की हत्या, बच्ची ने जो है आत्महत्या किया था। जब तक कि आप पूरा सबूत, ठोस सबूत नहीं ला करके दे देते हैं, उस विश्वविद्यालय में कई सारे सीसीटीवी कैमराज हैं, उस कैमरे को चेक करिए और वीडियो दिखाइए कि बच्ची ने आत्महत्या किया है। कोई ठोस सबूत दीजिए, तब हम जाकर के बिलीव करेंगे कि बच्ची ने आत्महत्या की थी। और दूसरी बात, इस गोरखपुर नगर के नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, जो खुद एक डॉक्टर हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उनका वीडियो देखिए, वीडियो फुटेज देखिए। कि जब आपके बच्चे का गला घोटा गया तो वह जिंदा थी, एंटी मार्टम इंजरी माने जिंदा रहने के समय उसको
अब ये रिपोर्ट के बाद आप लोग तय करोगे, जो तय करोगे मैं उसके साथ। आपने नगर विधायक का वीडियो देखा। अब यहीं पे एक थाना है गुलरिया थाना, उस थाना के SHO जी क्या कह रहे हैं, उस रिपोर्ट को क्या कह रहे हैं, आप उनका रिपोर्ट देखिए। इस कैसे मतलब गला दबाना एज रिजल्ट ऑफ एंट्री मर्डर इंजरी मौत पूर्व जो गला दबाया गया है स्पेशल रिजल्ट ऑफ एंट्री मर्डर इंजरी। जी जी शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, पहले पूरा रिपोर्ट लेंगे। स्पेशल एज रिजल्ट ऑफ एंट्री मर्डर इंजरी आ रहा है उतना मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब असली कॉपी तो असली कॉपी होगी। अब समझ लीजिए हत्या किया गया तो उनको गिरफ्तार किया जाए। रिपोर्ट दोगे जाना थाने पे जाकर के। जी जी। तो देखा आपने किस तरह से नगर विधायक जो राधा मोहन अग्रवाल है, जो कि डॉक्टर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि बच्चे की आत्महत्या नहीं बल्कि गला दबाने से उसकी मृत्यु हुई है, जो कि हत्या है। और गुलरिया थाना के जो SHO हैं वो भी जनता को बता रहे हैं कि किस तरह से बच्ची का गला दबा करके उसको मारा गया है। लेकिन ये अखबार में आज क्या निकल रहा है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, ज़्यादातर अखबार का यही कहना है। तो हमको पता है कि ये मुख्यमंत्री का शहर है और आज मुख्यमंत्री जी खुद गोरखपुर शहर में हैं, तो प्रशासन के ऊपर किस तरह का दबाव है ये हमको पता है। और आप लोग चाहते हैं कि किसी तरह इस मामले को जो है आत्महत्या करार दे करके इस मामले को दबा दिया जाए, इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। नहीं तो जब अगर इस मामले की जाँच होगी तो बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में फंसेंगे, बड़े बड़े लोग इस मामले में फंसेंगे। इसलिए यही कारण है कि इस मामले को दबाया जा रहा है। तो मैं आप सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस मामले की जांच बड़े स्तर पर करने की मांग करिए, परिवार वालों के साथ खड़े होइए। परिवार वाले खुद CBI जांच की मांग कर रहे हैं कि हमें इस जो रिपोर्ट आई है इस पर भरोसा नहीं है और पुनः जो है इसकी जांच करवाई जाए, CBI के द्वारा जाँच कराई जाए और जो रिजल्ट आएगा, और अगर आत्महत्या भी आता है तो उसका सोर्स ठोस जो है सबूत दीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है परीक्षा चल रही है और उसमें जगह जगह कैमरे लगे हैं, उस कैमरे का रिपोर्ट दिखाइए आप कि बच्ची ने आत्महत्या किया है, कोई ठोस सबूत दिखाइए। आप बस हवाबाजी में ये सीधे तुगलकी फरमान छाप दे रहे हैं पेपर में कि वो हत्या नहीं आत्महत्या था, इसको हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप कितने सच्चे हैं और कितनी सच्चाई है इस सरकार की। जैसा कि मैंने बताया कोरोना काल के दौरान में कितना बड़ा स्कैम और कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला था, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे रिपोर्ट हैं जिनको देख करके आपको लगेगा कि ये लोग सरेआम झूठ बोल रहे हैं। सरेआम जो है मतलब एकदम झूठ को एकदम सच बना करके ये लोग साबित करने वाले लोग हैं। तो हमको इस रिपोर्ट पर कहीं से भी बिलीव नहीं है, कहीं से भी भरोसा नहीं है। हम इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, CBI के द्वारा इसका जांच कराया जाए और जो सही तथ्य है सही तथ्य उसको सामने लाया जाए और इस मैटर का, इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएँ और लोग अवेयर हों और लोग पुनः इस हत्याकांड का जो है मांग करें कि इसकी फिर से जाँच कराई जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।